ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित बिहार के औरंगाबाद जिले के मोहद्दीपुर गांव के निवासी ये हैं चितरंजन कुमार। सिर में तेज दर्द और आंखों की लगातार घटती रोशनी की शिकायत के बाद अक्टूबर 2012 में इन्हें पटना के IGIMS यानी इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में एडमिट किया गया, जहां 10 दिनों तक ये चिकित्सकों के इलाज में रहे। जांच के क्रम में यह बात सामने आई कि चितरंजन को ब्रेन ट्यूमर है और ट्यूमर का आकार भी काफी बड़ा हो चुका है। सर्जरी की बात सामने आने पर चितरंजन के रिश्ते में भाई और बिहार पुलिस में कांस्टेबल रोशन कुमार ने डॉक्टर पी के ज्ञान से संपर्क साधा और अस्पताल से अपने भाई को डिस्चार्ज करवा डॉक्टर ज्ञान से इलाज शुरू करवाया। कुछ ही महीनों में दवा ने अपना काम शुरू किया और करीब 3 साल तक चले इस इलाज के बाद मई 2015 में आई जांच रिपोर्ट ने परिजनों को अचंभित कर दिया, यानी चितरंजन अब पूरी तरह से स्वस्थ है। हम बीमार थे तो मेरा कोई पता नहीं था। मेरे माता पिता जी इंदिरा गांधी यूनिट हॉस्पिटल में भर्ती कराया, लेकिन मेरा वहाँ से सुधार न हुआ तो डॉक्टर पीके ज्ञान के पास आए। आँख से उनको दिखाई नहीं देता था और चलने फिरने में भी बहुत दर्द, असमर्थ थे, मानिए कि मरले बराबर थे, बेड पर पड़े रहते थे। मेरा माँ बाप ने संध्या कराने के लिए और पर पेशाब कराने के लिए जाते थे, अन्न मिलने के लिए नाक द्वारा से खाना खाते थे। जब यहाँ से मेरा दवाई चला तो बहुत सुधार हो चुका, ठीक हो गया। मेरा नाम रोशन कुमार है, मैं बिहार पुलिस में पदस्थापित हूँ। चितरंजन कुमार मेरा भाई है जो औरंगाबाद जिला के हंसपुरा थाना में पीरू महादीपुर घर पड़ता है। वो एक बजे उसको बुखार लगा, उसके बाद में अरवल ला के भर्ती कराया गया सदर हॉस्पिटल में। सीटी स्कैन कराए तो बेहोशी हालत में था, जो 7 या 8 दिन तक वो रखे थे IGMS में। उसमें जब जांच रिपोर्ट में आया कि इसको ब्रेन ट्यूमर है और ब्रेन ट्यूमर में जब फिर MRI कराया तो 9.5 सेंटीमीटर ब्रेन ट्यूमर आया माइंड में। जो डॉक्टर के बताए हुए वो बता रहे थे कि इनको सिर में जो है से 3 भाग में जख्म हो चुका है, एक भाग बच रहा है, इसलिए हम इनको इलाज यहाँ करना संभव नहीं है, इसलिए आप या तो हमरे के यहाँ से दूसरी जगह ले जाइए, नहीं तो हम एम्स से रेफर कर देते हैं आपको ले जाइए। तो उसके बाद हम पीके ज्ञान डॉक्टर के पास संपर्क किया और लाए भर्ती कराए। यहाँ 4-5 दिन में सुधार होने लगा था, फिर 4-5 दिन के बाद बेहोशी टूट गया और फिर इलाज करते रहे जो अभी तक 4 बरस है। उसके बाद फिर बीमार नहीं पड़ा, अभी तक ठीक ठाक है।